यकीन मानिए अगर आप इस तरह के केला का जो है हलवा बनाएंगे ना, तो बच्चे बड़े भी पूरा खा जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया है, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये केला का बना हुआ है। तो आप देख सकते हो ना कितना अच्छा बना है, और यकीन मानिए ना कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सा है। हाय एवरीवन, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू स्कूला कुकिंग एंड ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, खुशबू शुक्ला कुकिंग एंड ब्लॉग। नीचे आपको रेड कलर की बटन दिख रही है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री में हो जाएगा सब्सक्राइब। और बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अब मैं आपके लिए ऐसे नई नई ढेर सारी रेसिपीज लेके आती रहूँगी। तो चलिए देखिए कैसे बनाना है। थैंक यू सो मच। तो इसको बनाने के लिए हमने काजू, बादाम और पिस्ता, इलायची और चार केले लिए हैं। और उसके बाद में भी हम एक अमूल गोल्ड का दूध लिए हैं। आप गांव में रहते हो तो गांव में भैंस गाय का दूध मिल जाता है, हम लोग शहर में रहते हैं तो यहाँ इम्पॉसिबल है। तो अभी हम जो है दूध को ऐड कर दिए हैं। अभी दूध हमारा इधर गर्म होगा, तब तक अभी हम जो है ये केला जो है छील लेंगे और उसके बाद में उसको घिसेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खुशबू शुक्ला कुकिंग एंड ब्लॉग। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्यों आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो इसका हम सारे का छिलका जो है निकाल लेंगे, और छिलका निकालने के बाद हम इसको घिस लेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। और बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगा, हमने तो बनाया था, हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आया। फर्स्ट टाइम हमने जो है बनाया था ऐसा, और सबको बहुत अच्छा लगा था। तो आप भी अगर ट्राई करोगे ना तो बनाओगे, सबको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो अभी हम एक एक करके सारे केले को ऐसे घिस लेंगे। आप मैश भी कर सकते हो मैशर से, पर उसमें ना कहीं कहीं गुठली टाइप का रहता है, अदरवाइज आप मैश भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम तो इसी कद्दूकस से ही घिस रहे हैं। और जो है बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। और देख लीजिए अभी हम इसमें क्या केला के रहे, थोड़ा थोड़ा चिपचिपापन रहता है ना, तो वो जो है बार बार इधर उधर हो जाता है। तो अभी हमने जो है सारे केले को घिस लिया है, और घिसने के बाद आप देख सकते हो ऐसा हुआ है। और दूध भी हमारा बॉयल हो चुका था, तो अभी हम दूध दूसरे साइड में रख देंगे और यहाँ पे हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अभी इसमें हम 3-4 चम्मच घी ऐड करेंगे, देसी घी ऐड करना है आप। और हाँ जी, आपको साइड से आवाज़ आ रही होगी ना, तो हमारे यहाँ जो हमारे सोसाइटी में भागवत बैठी है तो उसी की आवाज़ आ रही है, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। तो अभी हमारा जो है घी गरम हो चुका था, तो इसमें हम इलायची डाल दिए हैं। इलायची से क्या बहुत अच्छा ही फ्लेवर आता है, तो इसलिए हम इसमें इलायची डाल दिए हैं। इलायची हमारी हो चुकी थी, अब हम इसमें जो है सारे केला ऐड कर देंगे जो हमने कद्दूकस करके रखा था। इसको अच्छे से भून लेंगे धीमी धीमी आँच पे। तो केला हमारा भुना रहा है, उसको आपको बीच बीच में चलाते रहना है और अच्छे से भून लेना है। आप देख रहे हो ना, तो केला हमारा जो है भून चुका था। तो अभी इसमें हम तेल ऐड कर दूध ऐड करेंगे। और हाँ जी, दूध हमारा ठंडा हो चुका था लगभग, तो अभी हम इसमें ऐड कर दिए हैं। और आगे आपको हम बताते हैं एक सीक्रेट इसमें, क्योंकि हम जो है केला का हलवा बना रहे हैं ना, तो आपको अभी एक सीक्रेट और पता चलेगा कि जो आपको डालना है। तो वीडियो के एंड में बने रहिए, अभी देखते हैं। आपको इसमें चीनी ऐड कर देना, चीनी आप जैसे ज़्यादा मीठा खाते हो, कम मीठा खाते हो उसके अकॉर्डिंग ऐड करना। हम तो लगभग 100 ग्राम चीनी ऐड किए हैं इतने में, और आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा, आपके यहाँ ज़्यादा मीठा खाते हैं या कम मीठा खाते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल मीडियम सब खाते हैं,
ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं और मुझे तो बिल्कुल मीठा नहीं पसंद है, मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो। और अभी ये जो है हो रहा है, तब तक आगे देख लीजिए हमें क्या करना है। देखो इसमें ऑयल भी आने लगा है, देख सकते हो ना आप कितना अच्छा सा थिकनेस आई है। और इसको भी हम बॉयल होने देते हैं और दूसरी तरफ हम दूसरी कढ़ाई रख लेंगे और उसमें भी हम ज़्यादा घी नहीं डालना, हमें उसमें एक चम्मच घी डालना है। और घी हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम जो है 50 ग्राम सूजी डालेंगे। अगर हम सूजी डाल के बनाएंगे ना तो फिर जो है केला का जो हलवा बनता है ना उसमें थोड़ा है गाढ़ापन मतलब आ जाएगा और वो पता भी नहीं चलेगा कि आपने केले का बनाया। तो आप सूजी ऐड करके बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है, तो इसलिए हमने सूजी ऐड किया है। इसमें सूजी हमारी भुना चुकी थी आप देख रहे हो। और अभी हम जो है पैन को यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद में इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से चला दीजिएगा, जैसे आप लोग मिठाई नहीं चलाते हो उसी तरह अच्छे से बढ़िया से चला दीजिएगा, अच्छे से मिल जाएगी। आप लोग भी ट्राई करिए ना, बहुत ही अच्छा बनता है। और अच्छे से मिला दीजिए, उसके बाद में फिर इसको पकने दीजिए और बीच बीच में चलाते रहिए। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है और अच्छा भी लगता है। सूजी का हलवा अगर आप खा खा के बोर हो चुके हैं तो एक बार जरूर। अब इसमें आप सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए, काजू बादाम, आप और भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है ना तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। मुझे तो यही पसंद है तो हमने यही ऐड किया है। और अभी आप इसका जो है देख लीजिए, हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे उसके बाद में ये है। और अभी इसको हम एक बार और चला देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे चला के। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे। अभी देख लीजिए हमारा वो हलवा अभी गर्मा ही गर्म है। और कैसा बना है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बस अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए, देख लीजिए कितना प्यारा कितना अच्छा सा बना है। और आप लोग भी बना के ट्राई करिए। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू टू।